बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। वेलकम टू अवध एजुकेशन ऑनलाइन। इसकी फर्स्ट सीरीज के अंदर हमने इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th एंड 10th क्लास शुरू की थी, जिसके अंदर हम फ्रेज एंड क्लास दो चीजें हम पढ़ चुके हैं, फ्रेज एंड क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कि सेंटेंस के इसकी काइंड्स कौन कौन सी है, टाइप कौन कौन सी है। फर्स्ट आप अगर देखें तो सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच आर पुट टुगेदर टू कन्वे अ मीनिंगफुल आइडिया। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम एक मीनिंगफुल बात किसी को बताते हैं। जिस तरह फ्रेज में पढ़ा था, फ्रेज दो या तीन लफ्ज का मजमू होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हमें हाफ मीनिंग देता है, फुल मीनिंग नहीं देता। सेंटेंस को क्योंकि इनकी डेफिनेशन हमें जरूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट लेने की जरूरत है, मैं इसलिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें ही बताने वाला हूँ। यहाँ पर सेंटेंस की दो काइंड से हमारे पास दो इसके आगे मजीद सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। एक है सब्जेक्ट और दूसरा है हमारे पास प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या क्या है। सब्जेक्ट ये है कि जो बंदा काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो नाउन भी हो सकता है, बंदे का नाम या कोई प्रोनाउन हो सकता है, जितने प्रोनाउन है वो तमाम सब्जेक्ट के अंदर ही आते हैं। जैसे होम, विद हैंड्स, ही वर्क्स विद हैंड्स। ये जो हमारा स्टार्ट में जो दोनों चीजें आ रही हैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। और इसके बाद जितना भी ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, दोनों है, दोनों सही। और उसके साथ जितना भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये दोनों चीजें मिला के हमारा प्रेडिकेट बनाती है। इन सिंपल वर्ड सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, जो बंदा काम कर रहा है वो, जितनी भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आगे वाली वो प्रेडिकेट के अंदर इंक्लूड होती है। Where are you? Why? This is happening. ये WH वाले जो सवाल है ये भी हमारे इंटरोगेट के अंदर ही आते हैं। तो हमारे पास दो डिफरेंट तरह के इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं इसके काइंड है इफ सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स तीन तरह की बातें होती हैं। एक हमारे पास कमांड, एडवाइस। नंबर 3 पे हमारे पास होती है रिव्यू या प्रोहिबिशन। अगर हम कमांड में देखें तो हम अक्सर किसी बंदे को कहते हैं गेट आउट ऑफ द रूम, ये हमारे पास कमांड है, हुक्म है। किसी बंदे को हम कहते हैं यहां पर बाद में आना, तो ये भी हमारे पास कमांड ही है। नंबर 2 पे हमारे पास है एडवाइस। एडवाइस के अंदर हम कहते हैं वी शुड आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्पीक ऑलवेज ट्रुथ, ये भी एडवाइस है, ये भी हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस ही हैं। नंबर 3 पे आता है किसी बंदे को किसी काम से रोकना, जैसे डू नॉट प्लग द फॉर्स। इसी तरह हम अक्सर कहीं लिखा होता है जगहों पे डोंट स्मोक, ये भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही इंक्लूड होता है।
दूसरे नंबर पे आए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे, ये नंबर 3 नंबर 4। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर हम अपनी कोई एक्साइटमेंट किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी चीज को देखकर जब हम सरप्राइज होते हैं, हैरान होते हैं, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट अ नाइस कार, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, इट इज। इसी तरह हमारे पास और भी सेंटेंस हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा वी वन द मैच, खुश होकर कहते हैं हम मैच जीत चुके हैं। अब बाद में हम परेशान भी होते हैं, जैसे अलास वी लेफ्ट नथिंग, अफसोस है हमारे पास कोई चीज नहीं बची है। तो ये जो सेंटेंस है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ये चार मैंने आपको बता दी, इसकी एक साइन है उल्टा आए जिसे हम कहते हैं, ये भी इसकी एक पहचान है, इसे भी आप पहचान सकते हैं। इस तरह का फिक्र होगा, पेपर में दिया हुआ होगा, उसके अंदर नीचे टाइप दियो एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव या ऑपरेटिव सेंटेंस, वो आपने वहां से टिक करना होगा। हमारे पास जो लास्ट काइंड है इसकी वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी बंदे को वेल विशेस का इजहार करते हैं, जिसमें हम किसी बंदे के लिए दुआ करते हैं, जिसमें हम किसी बंदे के लिए दुआ भी अल्लाह ना करे करने पड़ जाए तो करते हैं, तो ये जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, गेट वेल सून। उसके अलावा हमारे पास लॉन्ग लिव पाकिस्तान, इस तरह के सेंटेंसेस को भी ये जो सेंटेंसेस सारे वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। सो हमने 5 काइंड्स पढ़ी इस सेंटेंसेस की। फर्स्ट हमने पढ़ी डिक्लेरेटिव, जो कि सिंपल सेंटेंस और नेगेशन भी इसके अंदर आता है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के अंदर हमने WH वाली पढ़ी और हेल्पिंग वर्ब वाली पढ़ी और एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। उसके बाद हमने इंपेरेटिव सेंटेंस देखे, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमने हुक्म, कमांड, एडवाइस और उसके साथ साथ हमने रिव्यू या प्रोहिबिशन वाले भी सेंटेंस देखे। उसके बाद हमने देखे हैं सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, सारा एक्सप्लेनेशन लिखा होता है एंड में, उससे आप पहचान सकते हैं। और लास्ट में हमने नंबर 5 पे डिस्कस किया ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम किसी बंदे के लिए विश कर रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास काइंड ऑफ सेंटेंसेस हमने जो पहले देखे हैं स्टूडेंट्स, वो काइंड ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन थी। अब देखते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू, और पहले थी अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ये स्ट्रक्चर जो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कौन कौन सी है हमारे पास? सिंपल सेंटेंस है हमारे पास, कंपाउंड, और नंबर 3 पे कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज, इन सेंटेंसेस के अंदर आपको बड़े एक सिंपल से वे से बताएंगे कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है। द क्लास एंटिटी एक सब्जेक्ट है ऑन वन सॉरी हमारे पास प्रेडिकेट है। फोर वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट, सिंपल से हमारे पास ये सेंटेंसेस होते हैं। We opened the books. आपने एक और चीज भी देखी होगी, इसके अंदर कोई कंजंक्शन नहीं आ रही, मतलब इसको फिक्रे को जोड़ने के लिए किसी दूसरे के साथ कोई वर्ड नहीं आ रहा जोड़ने के लिए, कोई सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस है, इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें
कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि दो सेंटेंस एक जैसे मिलकर तीसरा सेंटेंस बनाते हैं, उनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। वो कंपाउंड सेंटेंस कौन से, अभी देखते हैं। द क्लास स्टार्टेड वी ओपन आवर बुक्स एंड, इसी के आगे एंड टॉट अस। ये हमारे पास तीन सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे क्लॉजेस, सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको हमने कंबाइन किया है, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में दोनों में ही कंबाइन होते हैं सेंटेंसेस, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। हम देखते हैं जब हमारे पास एक सेंटेंस पूरा मीनिंग दे रहा हो और दूसरा सेंटेंस भी मुकम्मल मीनिंग दे रहा हो, इनको अगर हम सेपरेट कर दें तो, और तीसरा सेंटेंस भी, या दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, दो होता भी और तीन होता भी, अगर वो उनको अलग-अलग किया जाए, अगर इसके बगैर पढ़ा जाए, तो वही ओपन आवर बुक्स, हमने अपनी किताबें खोली, हमें मतलब समझ आ रहा है इसका। द टीचर टॉट अस, हमें टीचर ने पढ़ाया, इसका मतलब भी समझ आ रहा है। तो ये भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस हमारे जो ऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है एंड बट येट वगैरह से जोड़ के उन्होंने बनाया होता है, उसको हम कंपाउंड। इज माई फ्रेंड सो आई हेल्प्ड हिम, अगर इनको ज्यादा कर दें, ये कंजंक्शन सो भी इसी के अंदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर आती है, अगर हम दोनों को ज्यादा ज्यादा करते हैं तो हमें पूरा मतलब समझ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, दो सेंटेंस या दो से ज्यादा सेंटेंस का कॉम्बिनेशन, जिसको इलादा करने से, सेपरेट करने से मतलब बिल्कुल कंप्लीट समझ आ जाए, उसको हम कॉम्प्लेक्स, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, या हम एक और तरह कह सकते हैं कि दो या तीन सिंपल सेंटेंस अगर मिल जाए, इकट्ठे हो जाए इन कंजंक्शन के साथ, एंड बट येट सो जैसी कंजंक्शन के साथ, और इनको सेपरेट करें तो मतलब वाजिया हो हमारा, तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सबसे डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स आपके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। हमने क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि एक क्लास होती है डिपेंडेंट, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लास, और दोनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं। जैसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, तो दो या दो से ज्यादा सेंटेंस जब आपस में मिल जाए और उनमें से एक सेंटेंस ऐसा हो, अगर उसको हम सेपरेट करें तो उसका मीनिंग पूरे का वाजिया ना हो, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस व्हेन यू सी आसिया गिव हर कीज, ये दो हमने सेंटेंस को आपस में जोड़ा हुआ है, एक सेंटेंस ये वाला है और एक हमारे पास ये वाला सेंटेंस है। अगर हम देखें, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, इसको हम हाइड कर देते थोड़ी देर के लिए, तो हमें इसका मतलब हमें पूरा समझ नहीं आता। व्हेन यू सी आयशा आसिया, अगर आप आसिया को देखते हैं तो अगला पूछेगा तो क्या होगा फिर, तो बाद में बात हो रही है, गिव हर कीज, उसको चाबियां दे देना चाब, इसकी तो हमें समझ आ गई, ये तो हमारी इंडिपेंडेंट क्लास होगी, लेकिन ये डिपेंडेंट है क्योंकि इसका मतलब उस वक्त तक हमारे, हमें पता नहीं चलेगा जब तक हम कोई दूसरी चीज लगा नहीं लेते साथ। तो ऐसी सेंटेंस जिसमें एक सेंटेंस का हमें मतलब ये भी पता ना चले, उसको हम, उस पूरे को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देते हैं आपको, she left the school because she was not good in studies। अगर हम ये वाली बात देखें, क्योंकि अच्छी नहीं थी स्टूडेंट्स, अच्छी नहीं थी स्टडीज के अंदर, तो हमें पता नहीं चलता कि पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है आगे। अगर हम इसके पीछे वाले सेंटेंस की बात करें तो हमें क्लियरली मतलब पता चल जाता है, she left the school, उसने स्कूल छोड़ दिया, बात खत्म, क्योंकि वो स्टडी में अच्छी नहीं थी। तो आगे हमें कुछ पता नहीं है कि स्टडी के अंदर अच्छी नहीं, तो उसके साथ क्या हुआ, तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है।
lunch after the game ended. तो सेंटेंस हमारे पास आ गए आफ्टर द गेम एंडेड, इसका मतलब आपको समझ आता है गेम ऑफ गेम के खत्म होने के बाद. अगर आप इसको सेपरेट कर दें मतलब नहीं समझ आ रहा, तो इसका मतलब ये हमारी डिपेंडेंट क्लास है और ये हमारी इंडिपेंडेंट है. अब एक और ट्रिक बता देते हैं, कुछ ऐसे वर्ड है अगर वो लिखे हो तो आपका जो सेंटेंस होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा. जैसे बिकॉज, देयरफॉर, इफ, व्हेन, Which, इस तरह की जो कंजंक्शन है जिसको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं. ये ऑर्डिनेट कंजंक्शन थी. अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुई हो तो वो सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. तो हमने तीनों बातें डिस्कस की. सबसे पहले फंक्शन देखा, काइंड ऑफ सेंटेंस फंक्शन के लिहाज से वो कौन कौन सी थी, पांच काइंड्स थी. हमने काइंड ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा तीन काइंड, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल में देखा कि सिंपल सा सेंटेंस सिंगल होता है. कॉम्प्लेक्स में देखा कि दो या दो से तीन सेंटेंस अगर मिल जाए, इकट्ठे हो जाए, तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. कॉम्प्लेक्स के अंदर देखा कि दो या तीन सेंटेंस जब इकट्ठे हो जाए उनमें से एक सेंटेंस ऐसा हो जिसको हम अंडरलाइन करके देखें तो उसका मतलब हमारे कंप्लीट मतलब समझ ना आए, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ अवर फर्स्ट लेक्चर. इसके अंदर फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंस था. उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा. अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं, आप हमें राय दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही, ताकि हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज है उसको हम बेटर से बेटर कर सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग विद एजुकेशन. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. अल्लाह हाफिज़.